नमस्कार दोस्तों, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और इस बार मैं जो है उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूं जिन्होंने मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था कि विथ हेल्ड वाले स्टूडेंट क्या करेंगे और ये क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे किसी स्टूडेंट्स ने मुझे जो है कमेंट करके बताया और कॉल मैसेज भी आया था मुझे। तो दोस्तों, मैं आज इस पर ही वीडियो बनाने जा रहा हूं कि कैसे आप PRSU के साइट पर जाकर विथ हेल्ड का रिजल्ट को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं विथ हेल्ड या WH ग्रेड क्या होता है। आपका मार्कशीट जब निकला होगा, आपने जब डाउनलोड किया तो उसमें जो लिखा रहा होगा नीचे में, ना पास लिखा था, ना फेल लिखा था, ना सप्ले लिखा था, वहाँ पर WH ग्रेड या फिर विथ हेल्ड लिखा हुआ था। वो WH का मतलब ही है विथ हेल्ड। विथ हेल्ड मतलब आपका जो परिणाम है उसको रोका गया था। आपने न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी पढ़ा होगा, कई तो जगह आर्टिकल में पढ़ा भी होगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के द्वारा जितने भी परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं उसमें से कुछ विद्यार्थियों के परिणाम को रोका गया है। लगभग 4000 समथिंग कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके परिणामों को रोका गया था, जो अलग अलग कोर्स वाले हैं, तो इन सभी का परिणाम को रोक दिया गया था। तो उसी को धीरे धीरे करके अलग अलग कोर्स वालों का रिजल्ट को जारी कर रहा है, जिसकी विथ हेल्ड कहलाता है, जो विथ हेल्ड कहलाता है। तो ऐसा है विथ हेल्ड का। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है अपना रिजल्ट कहाँ से निकालना है, आपका नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं, आप फेल हुए, पास हुए, सप्ली थे तो पास हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप जो है उसका PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद अगर आपको पता चला कि आपका नंबर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज, जो भी हुआ है, आप मार्कशीट जाके जो है मार्कशीट को निकाल सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि क्या है, ठीक है, आपका रिजल्ट क्या चेंजेस हुआ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपका साइट में जाकर ओपन करते हैं। तो सबसे पहले क्रोम में चले जाते हैं। क्रोम में जाने के बाद आपको जो साइट लिखना है, ये तो याद ही हो गया होगा आपको, www.prsu.ac.in, ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने पर आपका जो है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ऐप को क्लिक करना है। इस तरीके से जो है आपका साइट जो है PRSU का वो ओपन हो जाएगा। आप जो है किसी भी रिजल्ट के जाने के लिए एग्जामिनेशन टैब पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ फिर एग्जामिनेशन टैब पर ही क्लिक करना है। देन आपको जाना है, देखिए, रिजल्ट पे। तो रिजल्ट पे जाएंगे। रिजल्ट पे जाने पे आपको यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रिजल्ट कैसे निकालना है, मोर रिजल्ट में जाके PDF डाउनलोड करना है, ये बताया था। फिर आपका रिवॉल्यूशन रिटोट लिंक का आया, तो मैंने बताया था रिवॉल्यूशन का इसमें टच करना है, रिटोट लिंक का इसमें। देखो, रिवॉल्यूशन करने के बाद ना एक और ऑप्शन होता है जिसमें और रिवॉल्यूशन होता है, वो थर्ड वाले में देखिए, तो यहाँ से उसका हो जाता है। साथ ही आप बात कर विथ हेल्ड रिजल्ट का, देखिए यहाँ पर सबसे सेकंड लास्ट में लिखा हुआ है, ये है ना, तो इसी को है टच करना है। टच करेंगे, टच करने पे एक न्यू पेज ओपन होता है जहाँ पर ये देखिए टैब में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, विथ हेल्ड रिजल्ट्स लिखा है ना। तो इसमें बहुत सारे देखिए टाइटल में लिखा हुआ है पूरा, विथ हेल्ड रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर 1688 1686, ऐसे बहुत सारे। तो ये सब देखिए पूरा डेट दिया हुआ है, अपलोडिंग डेट का डेट। तो इसमें देखिए कितने सारे, 25 जून से चल रहा है ना, 25 जून से चल रहा है 2019 से, और अभी भी ये देखिए 8 अगस्त यानी कि कल ही एक और अपलोड किया गया है, है? तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और नहीं लिखा रहता है कि विथ हेल्ड रिजल्ट नोटिफिकेशन, बस लिखा है कौन सा कोर्स है, क्या है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप डाउनलोड कर करके देखते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं पहला वाला 8 अगस्त वाला कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर टच करेंगे, वो PDF डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद ओपन हो जाएगा। अब आपको बताता हूँ मैं इसमें कैसे देखना है। देखिए क्या होता है, पहले तो लिखा हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्रमांक 1688 गोपनीय रोके गए रुके हुए परिणाम, रोके गए थे या रुके हुए परिणाम 2019 का, 8 अगस्त 2019 का है। अधिसूचना में लिखता है कि वार्षिक है या सेमेस्टर हो, ये सब परीक्षा 2016 मार्च अप्रैल 2019 के परीक्षा परिणाम के घोषणा उपरांत विभिन्न परीक्षाओं के छात्रों के रोके गए एवं रुके हुए विथ हेल्ड, देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया हुआ है, रुके हुए विथ हेल्ड परिणाम निम्नानुसार घोषित किए गए हैं www.prsu.ac.in, ये लिख के दे दिया हुआ है। देखिए
लिखा हुआ है अनुक्रमांक के और छात्र का नाम परिणाम तीन कॉलम में लिखा हुआ है। BCA पार्ट वन की बात कर रहा है। एग्जाम सेंटर था विप्र आर्ट्स कॉमर्स सॉरी कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन कॉलेज रायपुर। इसमें रोल नंबर के साथ जो है नाम दिया हुआ है स्टूडेंट का, साथ ही यहाँ पर बताया हुआ है कि उनका रिजल्ट क्या रहा। जैसे कि मैं इसमें से पढ़ के बताऊँ, फर्स्ट वाले का देखिए आप फेल लिखा हुआ, फेल हो गया वो। सेकेंड वाले में क्या लिखते हैं, सप्ली था, ठीक है सप्ली था वो। उसके बाद जो है मैथ्स का फर्स्ट चांस, ठीक है मैथ्स में फर्स्ट चांस है उसका। उसके वैसे ही चंद्र प्रकाश का भी वैसे ही है। हर्षित जो है वो पास हो गया है, ऐसे सब दिया हुआ है। उसी में एग्ज़ाम सेंटर अब देखो ये लिखता है फाफाडी रायपुर का है सेंट्रल कॉलेज का। ये सब का रिजल्ट ऐसे बताया गया है। ये सब किसका है, BCA पार्ट फर्स्ट का ऊपर में। अब देखो यहाँ पर आ गया LLM पार्ट फर्स्ट सेम, ठीक है BPE फर्स्ट ईयर। तो ऐसे आपको पूरा देखना होगा तब जाके बनेगा। MSc केमिस्ट्री का है, MSc केमिस्ट्री का फोर्थ सेम का, फर्स्ट सेम का, ये सब दिया हुआ है। तो आपको एक एक करके देखना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, मार्क्स करेक्टेड। इसका मतलब इस जो स्टूडेंट रहा होगा उसका मार्क्स जो है ना वो करेक्टेड किया गया, मतलब कुछ रॉन्ग रहा होगा और उसको सही किया गया, ऐसे बताता है। ठीक है, और मैं आपको एक आध तो PDF डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि सेकेंड वाला में मैं कर दूँ, सेकेंड वाला में कर दूँ तो अच्छा ये डाउनलोड हो चुका है आई थिंक, इसलिए ऐसा बता रहा है। चलिए मैं थर्ड वाला करके दिखाता हूँ आपको। थर्ड वाला किया, डाउनलोड कर लिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मार्च अप्रैल 2019 का। तो BA पार्ट टू के बारे में बात किया जो मार्च अप्रैल 2019 में हुआ है। ये जो है महासमुंद के कॉलेज है सरायपाली में, उसका है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पास लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है, उत्तम का पास लिखा हुआ है, अभलक्ष्मी सप्ली है ना इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट चांस है सप्ली का, ऐसे सब लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये वाला एग्ज़ाम सेंटर का देखिए, महंत लक्ष्मी नारायण वाला गांधी चौक रायपुर का, संजय महेश्वर का लिखा हुआ है कैंसल्ड ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज़। तो ये कैंसल किया गया इसमें। मार्क्स करेक्टेड में मार्क्स को करेक्ट किया गया होता है। और एक दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ये देखिए पास इन एडिशनल सब्जेक्ट, तो कुछ रहा होगा इनके उसमें एडिशनल सब्जेक्ट में, चाहे थोड़ा नंबर छूट गया होगा या एक्स्ट्रा, तो ये पास इन एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है। पास नहीं हुए रहे हों या रोक दिया था इसी कारण, और इसके बाद में अभी रिजल्ट आया तो ये पास हो गए हैं। कोई सेकेंड डिवीज़न से, थर्ड डिवीज़न से ये सब दे रहा है, रिजल्ट कैंसल्ड, इसका मतलब है इनका जो रिज़ल्ट था वो कैंसल कर दिया गया है, ऐसा सब ये सब दिया हुआ है। तो आप PDF को डाउनलोड कर कर के देखते जाएंगे ना तो आपको समझ में आता जाएगा कि आपका जो है कौन सा कोर्स है, उसमें जाके आपको अपना रोल नंबर देखना है। आपको पता चल गया यहाँ पर से कि मैं पास हो गया हूँ या मेरा सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न करेक्टेड क्या किया गया है, तो आप मार्कशीट जाके देख सकते हैं। मार्कशीट को कैसे ओपन करना है इसका वीडियो जो है मैं बना चुका हूं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस पे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दूंगा कि मार्कशीट किसी भी कोर्स का कैसे डाउनलोड करें। ये टैग है उसका, टाइटल है जिसमें लिखा हुआ है कि सभी कोर्सेस का PRS यूनिवर्सिटी में कैसे मार्कशीट डाउनलोड करना है। तो वो वाले लिंक पर जाके आप जो है कैसे मार्कशीट को डाउनलोड करना है वो देख सकते हैं। दोस्तों विथ हेल्ड वाला बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बना दिया है। तो कृपया अन्य लोगों तक शेयर करें, दूसरों को भी इनकी जानकारी दें कि कैसे विथ हेल्ड हो जाता है और विथ हेल्ड का कैसे रिजल्ट देखना है, कैसे क्या करना है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन कि अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँ और उनको भी नॉलेज दें, उनको भी बताएँ कि ये क्या होता है। धन्यवाद। लक्षांश कोचिंग क्लासेस।